हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है अंकुश पारे और ये जो मैं आज शूट कर रहा हूँ, ये शूट मैं मेरे दिमाग में अभी आया कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो स्टैमरिंग के लिए बहुत कुछ करते हैं। मतलब वो 1 साल 2 साल बहुत प्रैक्टिस करते हैं इस पर, फिर भी वो स्टैमरिंग को ओवरकम नहीं कर पाते। तो मैंने सोचा कि इस पर भी मेरा एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करूँ, और हो सकता है कि जो मेरा एक्सपीरियंस है जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा वो शायद किसी लोगों के लिए गलत हो सकता है, किसी लोग उसके लिए ऑब्जेक्शन ले सकते हैं, या फिर किसी को लग सकता है कि नहीं यार ये जो कह रहा है वो सही है। तो अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू है और मेरा एक्सपीरियंस मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अभी जो मैं यहाँ पे शूट कर रहा हूँ, मेरे ये सोसाइटी की थोड़ी सी जगह है पीछे वाली, अच्छी जगह है, फूल वगैरह है यहाँ पे, पेड़ है अच्छे से, तो मुझे जगह अच्छी लगी शूट करने के लिए। और मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपको ये बताना चाहता हूँ कि जो मेरा सबसे पहला वीडियो था जो मैंने YouTube पर अपलोड किया था, और उसके बाद जो मेरे इसमें इम्प्रूवमेंट आई है, जो अभी आप जो मेरे वीडियो देखते हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट्स हैं। वो इम्प्रूवमेंट क्यों आई है मेरे अंदर, क्योंकि मैं उस प्रॉब्लम को मैं फेस करता हूँ, मैं डेली मैं वहाँ पर जाता हूँ, देखता हूँ, और उस प्रॉब्लम को जब मैं फेस करता हूँ, तो जब मैं नेक्स्ट टाइम उस प्रॉब्लम को फेस करता हूँ तो मेरे अंदर का डर नहीं आता है। मतलब मेरे अंदर वो डर नहीं रहता है बात करने का। तो मैं डेली लोगों से बात करता हूँ, और मैं जब लोगों से बात करता हूँ कॉल पर, बहुत लोग मुझे फेसबुक पर मैसेज करते हैं, कोई मुझे ईमेल करता है, क्योंकि मैंने मेरा फेसबुक का जो प्रोफाइल है और जो ईमेल आईडी है मैं हमेशा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देता हूँ, तो लोग उसको देखकर मुझे मैसेज कर देते हैं। इस वीडियो में भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी और फेसबुक का प्रोफाइल दिया है, आप वहाँ पर जाके मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों, जब लोग मुझे डेली कॉल करते हैं, मैं डेली 3 या 4 लोगों से बात करता हूँ, डेली बात करता हूँ अननोन पर्सन से, तो मैं हमेशा उनको ये पूछता हूँ कि आपको प्रॉब्लम कब से है, आप इसके लिए क्या कर रहे हैं, आप लाइफ में क्या करना चाहते हैं, और मैं ट्राई करता हूँ कि मैं उनसे ज़्यादा से ज़्यादा बात करूँ। तो जब मैं उनसे बात करता हूँ तो कुछ मिनट के बाद, मतलब जब वो स्टार्ट करते हैं बात करना, तब उनको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। पर जैसे जैसे ही मैं उनसे बात करना स्टार्ट कर देता हूँ, फ्रेंडली होता हूँ उनसे, तो कुछ मिनट बाद वो मुझसे अच्छे से बात कर पाते हैं, और वो फिर मुझसे कहते हैं कि सर अभी मैं ये सोच रहा था कि मैं इस वर्ड को नहीं बोल पाऊँगा, पर मैं आपके सामने उसको बोल दिया। तो दोस्तों, मैं इसका आपको थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दूंगा। देखो, जब आप 1 साल से 2 साल से कुछ प्रैक्टिस करते हैं, तो आप प्रैक्टिस क्या करते हैं, आप योगा करते होंगे, या फिर आप कोई ऐसी ब्रीदिंग टेक्निक करते होंगे, या फिर आपने किसी से कुछ सीखा होगा कि इस टेक्निक को ट्राई करो, फिर ऐसे ट्राई करो, ऐसे बोलो, या फिर आपने किसी डॉक्टर ने आपको कुछ सिखाया होगा कि आप ऐसे ट्राई करो, इस पोजीशन में बैठकर ऐसे बोलो, या फिर ऐसे खड़े रहकर ऐसे ब्रीदिंग के साथ उसको बोलो, ये कुछ टेक्निक आपने कहीं से सीखी होंगे और आप उसको इम्प्लीमेंट करते होंगे। पर फिर भी जब आप रियल लाइफ में लोगों के सामने जाते हैं, तब आपको वहाँ पर वो कॉन्फिडेंस नहीं मिलता। वो कॉन्फिडेंस आपको क्यों नहीं मिलता? मुझे लगता है कि जब आप एक ऐसे सिचुएशन में जाते हैं जहाँ पर आपको पता है कि आपको कौन से टेक्निक यूज़ करना है, पर जब आप वहाँ पे जाते हैं, उस प्रॉब्लम को फेस करते हैं, तब वो सारे टेक्निक आपके दिमाग से चली जाती है, आपको पता नहीं चलता कि आपको अभी बोलना क्या है, कैसे बोलना है। तो दोस्तों, मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अगर आप उस सिचुएशन में रेगुलर जाइए, डेली उस सिचुएशन को फेस करें। अब बहुत लोग ऐसे हैं जिन्होंने अपने स्टैमरिंग को ओवरकम कर चुके हैं, और बहुत लोग ऐसे हैं जो 3 साल से 4 साल से प्रैक्टिस करते हैं पर फिर भी उनको कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। वो क्यों फ़र्क नहीं पड़ता? क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने मन में ठान तो लेते हैं कि मुझे स्टैमरिंग को ओवरकम करना है, पर जब बात आती है किसी के सामने बात करने की, तब वो घबरा जाते हैं और वो फिर उस सिचुएशन को इग्नोर कर देते हैं, या फिर वो उस वर्ड को ना बोलते हुए दूसरे वर्ड को यूज़ करते हैं, या फिर अब वो उनके कुछ दोस्तों को बोलते हैं कि यार तू उसको बोल दे, मैं नहीं बोलूँगा, मतलब कि कोई ऑर्डर देना है तो तू बोल दे, मैं नहीं बोलता हूँ, ऐसे वो उनको इग्नोर कर देते हैं। पर जो लोग उस सिचुएशन को हैंडल करते हैं, उसको फेस करते हैं,
वो फिर कुछ दिनों बाद, कुछ सालों बाद उनके अंदर एक अच्छा कॉन्फिडेंस आ जाता है। अब मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग हैं, इंडिया में है, इंडिया के बाहर भी है, उन्होंने अपनी एक मेंटेलिटी बना ली है। बहुत लोग कहते हैं कि अपने स्टैमरिंग को आप एक्सेप्ट करो, मतलब आप जैसे हो वैसे खुद को एक्सेप्ट करो। हाँ, ये ठीक बात है कि आपको खुद को एक्सेप्ट करना चाहिए कि आप स्टैमरिंग करते हैं, पर मेरा एक मानना यह है कि अगर आप स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करते हैं तो भैया बस एक्सेप्ट करने से कुछ नहीं होगा, आपको खुद के अंदर कुछ इम्प्रूवमेंट भी लाना पड़ेगा। अगर आप, मैं कहता हूँ कि अगर आप अपने स्टैमरिंग को एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर लोगों के सामने स्टैमरिंग करते करते ही बात करते हैं तो ठीक है, एक बार के लिए, दो बार के लिए ठीक है, पर वही अगर आप चीज़ एक साल दो साल वही अगर आप चीज़ करते हैं तो आपको लगता है क्या कि ये आपकी स्टैमरिंग इससे ओवरकम हो पाएगी? मतलब कुछ कुछ लोगों की शायद कह सकते हैं कि कुछ लोग उसको इस तरह से देखते हैं कि अगर आपने एक्सेप्ट किया स्टैमरिंग को तो आप ठीक हो सकते हैं, पर मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि हाँ, ये सच है कि आपको अपने स्टैमरिंग को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, पर आपको उसके लिए कुछ और प्रैक्टिकल्स भी करने पड़ेंगे। और मेरा ये मानना है कि अगर आप खुद में कुछ अपडेट्स लाए डेली, मतलब कि अगर आप डेली कुछ रीडिंग करें, एक्सरसाइज करें, लोगों के सामने बात करें, कोई अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिले कि आप स्टेज पर जाइए बात करें, सिंगिंग की अपॉर्चुनिटी मिले या फिर किसी को कॉल पर बात करने की अपॉर्चुनिटी मिले, तो उसको आप उसको फेस करिए, उस अपॉर्चुनिटी को एक ट्राई करें कि आप उसमें क्या कर सकते हैं। और अगर आपके अंदर 1% भी डेली अगर आपने खुद के अंदर अपडेट किया कि आपने अगर 1% भी खुद के अंदर कुछ नया ट्राई किया, तो दोस्तों आप अगर एक साल के बाद देखेंगे खुद को तो एक साल में होते 365 डेज, मतलब 365 दिन, और इन 365 दिनों में अगर आपने 1% भी इम्प्रूवमेंट किया डेली, तो आप 365% आपके अंदर इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। बस आपको करना क्या है कि आपको डेली आपको ये ट्राई करना है कि आप खुद में कुछ इम्प्रूवमेंट ला रहे हैं। जैसे कि मेरे बहुत सारे वीडियो मैंने अब तक यूट्यूब पर अपलोड किए हैं, और मैं उन वीडियो में हमेशा ये बताता हूँ कि यार ये प्रैक्टिस करो, तुम इस योगा को ट्राई करो, तुम ऐसे ट्राई करो, तुम लोगों के सामने जाकर बोलने की कोशिश करो, वो मैं आपसे कहता हूँ। पर आप में से कितने लोग ऐसे हैं जो खुद उस टेक्निक को ट्राई करते हैं? आपको क्या लगता है कि कोई मतलब ऊपर से आ जाएगा फिर आपको कुछ ऐसी शक्ति देगा, कुछ पावर देगा जिससे आपका मतलब ये पूरा आप अच्छे से बोल पाएंगे, आपके अंदर एक अलग सा कॉन्फिडेंस आ जाएगा, या फिर कोई ऐसा आदमी आएगा, कोई ऐसा इंसान आएगा जो आपको सब कुछ सिखाएगा, फिर आप उसके बाद अच्छे से बोल पाएंगे, या फिर आप सोचते हैं कि यार एक दिन ऐसा आएगा जब मैं लोगों के सामने अच्छे से बात कर पाऊँगा? पर वो एक दिन कब आएगा? वो एक दिन तभी आएगा जब आप उस एक दिन के लिए प्रैक्टिस करोगे, तभी आएगा ना। तो एक छोटी छोटी बात रहती है, जैसे कि मैंने अभी मेरे जो एक्सपीरियंस है मैंने इस वीडियो में शेयर किया है, और मैं फिर से कहता हूँ कि ये मेरे एक्सपीरियंस है, और शायद हो सकता है किसी लोगों के लिए ये हो सकता है कि उनको ये चीज़ गलत लगी है। और हाँ, बहुत लोग ये कहते हैं कि मैं अंकुश पारे इसको स्टैमरिंग की प्रॉब्लम नहीं थी, ये कुछ तो मतलब गलत बोलता है या फिर गलत लोगों को सिखाता है, ऐसे भी कुछ लोग कहते हैं। पर दोस्तों, मैं अगर 3-4 साल पहले इस वीडियो को बनाता और जब मैं अभी इस वीडियो को बना रहा हूँ, तो इसमें बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये बस मुझे पता है कि मेरे अंदर कितना फ़र्क आया है। और अगर मैं इस चीज़ को ठान लेता, मतलब मैं खुद को एक्सेप्ट कर लेता कि ठीक है भाई मैं स्टैमरिंग करता हूँ, तो ठीक है मैं स्टैमरिंग करता हूँ, पर अगर मैं खुद के अंदर वो इम्प्रूवमेंट ना लाता, कुछ नहीं करता, लोगों से बात नहीं करता, या फिर मैं खुद से कुछ कॉल पर बात नहीं करता, कुछ टेक्निक यूज़ ना करता, तो आपको लगता है क्या कि मैं इस टाइम यहाँ पर इस वीडियो को इतने अच्छे से आपको समझा पाता? छोटी छोटी बात रहती है दोस्तों जो आपको लाइफ में फॉलो करनी चाहिए, छोटी छोटी बात रहती है, जैसे कि आप किसको कॉल कर दे, किसी से बात कर ले, कहीं पर घूमने चले जाइए, जिम जाइए, एक्सरसाइज करिए, योगा करिए और खुश रहिए।
और जो स्टैमरिंग की प्रॉब्लम है उसको अगर आपने थोड़ा सा अपने माइंड को डाइवर्ट करके कहीं और ला दिया, कहीं और उसको काम पे लगा दिया, तो ये होता है कि आपको वहाँ पे स्टैमरिंग की प्रॉब्लम भी नहीं होती है। और मैं हमेशा मेरे वीडियो में ये कहता हूँ कि आपके माइंड को आपको डाइवर्ट करना पड़ेगा। लोग बहुत बार कहते हैं कि अंकुश पारे लोगों को उल्लू बनाता है, कि वो कुछ भी बताता है कि इससे ये ट्राई करो वो ट्राई करो, हम नहीं मानते। दोस्तों आपकी बात सही है कि मैं उल्लू बनाता हूँ, पर मैं लोगों को उल्लू नहीं बनाता, मैं अपने इस दिमाग को उल्लू बनाता हूँ। और जब मैं इस दिमाग को उल्लू बनाता हूँ, वो भी कैसे, मैं उसको बोलता हूँ कि तू गलत है, तू गलत है, तू ये कहता है कि मैं स्टैमरिंग करता हूँ पर तू गलत है, मैं ये कहता हूँ कि मैं स्टैमरिंग नहीं करता, मैं अच्छे से बात कर पाता हूँ। तो इस तरह से मैं उसको उल्लू बनाता हूँ और मैं रियल लाइफ के लोगों को फेस करता हूँ। यही सिंपल सा फंडा है, आपको भी इसको ट्राई करना पड़ेगा। दोस्तों ये तो था मेरा एक छोटा सा वीडियो जो मैंने इसमें मेरे एक्सपीरियंस शेयर किए। ये मैंने कुछ प्री डिफाइन नहीं किया था कि मुझे ऐसे बोलना है, ऐसे बात करनी है, जो मेरे मन से निकला, जो मैंने आज आपके साथ शेयर किया, वही मैं, जो मैं हूँ, मैं वही आपके साथ उसको शेयर करता हूँ। मैं कुछ अलग, कोई स्क्रिप्टेड वीडियो या फिर मैं लिख कर ऐसे आपके सामने नहीं पढ़ा हूँ आज। तो दोस्तों मैं कंक्लूजन अगर इस वीडियो का ये दूँ तो ये हो सकता है कि आप अपने फुल कंसंट्रेशन के साथ अपने स्टैमरिंग के लिए प्रैक्टिस करें, डेली प्रैक्टिस करें। आपको अगर कुछ हेल्प चाहिए तो मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेरा ईमेल आईडी भी है और मेरा फेसबुक का प्रोफाइल भी है, वहाँ पर जाके आप मुझे मैसेज कीजिए, हम इसके बारे में फिर बात करेंगे, आपको क्या परेशानी है, मैं आपको सजेशन भी दे सकता हूँ उसके लिए। और बस इतना ही आज के वीडियो के लिए। आपने इस वीडियो को देखा, मुझे अच्छा लगा, आपके कमेंट्स जो होंगे, आपको कुछ डाउट्स है, आपके कमेंट्स होंगे कि आपको वीडियो कैसा लगा, मैं आपके लिए क्या मदद कर सकता हूँ, तो ज़रूर इस कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए। और जाते जाते मेरे, अगर आप चैनल पर नए हैं तो मेरे वीडियो को भी मेरे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए, ताकि मुझे भी खुशी हो कि मैं जो भी करता हूँ लोगों के लिए, लोग उसको सपोर्ट भी करते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे ही नए अच्छे और मोटिवेशनल वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।